हमारी दुनिया बदलते समय के साथ लगातार डेवलप होती जा रही है और लगभग रोज नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं जिसने हमारे लाइफ को और ज्यादा आसान बना दिया है। लेकिन क्या आप ये सोचते हैं कि इन आविष्कारों का यूज करने वाले सबसे पहले हम ही हैं? हमसे पहले धरती पे किसी ने इनका यूज नहीं किया है? अगर हाँ तो आप गलत हैं। बहुत सारे ऐसे प्रूफ मिले हैं जो कि साबित करते हैं कि इतिहास के लोग भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के इन्वेंशंस यूज कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी इन्वेंशंस के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के समय में विश्व के बहुत सारे लोग प्रोस्थेटिक्स का यूज करते हैं और ये साइंस के सबसे यूजफुल डिस्कवरीज में से भी एक माना जाता है। लेकिन दोस्तों हाल ही में पता चला है कि लोग 5000 साल पहले भी प्रोस्थेटिक्स का यूज करते थे और एक इजिप्शियन मम्मी के पैर में प्रोस्थेटिक टो भी मिला है। और तो और ऐसे भी सबूत मिले हैं जो कि साबित करते हैं कि आज से 3000 साल पहले भी लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाते थे। आज के टाइम में अलार्म क्लॉक तो सभी के घर में होता है, लेकिन आज से 24 साल पहले भी अलार्म क्लॉक था? ये काफी अजीब है। ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो एक वाटर मीटर का यूज करते थे जो कि एक अलार्म क्लॉक की तरह एक्ट करता था। उस वाटर मीटर में एक सिग्नल आता था जिससे उन्हें पता चलता था कि उनके लेक्चर का टाइम हो गया है। दोस्तों ये सबसे यूनिक फैक्ट है। ऐसे सबूत मिले हैं जो कि बताते हैं कि बहुत सालों पहले इजिप्ट के लाइट हाउस पे एक रोबोट को बैठाया जाता था और उस रोबोट का अपीयरेंस काफी हद तक मॉडर्न फीमेल रोबोट से भी मैच करता था। वो रोबोट सुबह और शाम में सिग्नल्स देता था ताकि सेलर्स अपना रास्ता ना भटके। मतलब उस समय भी रोबोट कितना अजीब है। साल 1938 में बहुत अजीब से स्ट्रक्चर्स मिले थे जो कि कॉपर पाइप और एक आयरन रॉड से बने थे और बाद में पता चला कि वो बैटरी की तरह वर्क करते थे। मतलब हजारों सालों पहले उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता था। लेकिन दोस्तों एक बात अभी अनक्लियर है कि उस समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किस काम के लिए किया जाता था। रहस्य। दोस्तों आप सभी को तो ऑटोमेटिक डोर के बारे में मालूम ही होगा, तो सुनिए। आज से लगभग 2000 साल पहले ग्रीस के लोग ऑटोमेटिक डोर बनाना जानते थे और उस समय का ऑटोमेटिक डोर स्टीम इंजन की मदद से काम करता था। अरे कितना अजीब है। आज के समय में वेंडिंग मशीन कितने पॉपुलर हैं, मतलब जिनमें कॉइन डालने पे कोई काम खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन दोस्तों एंशियंट टाइम्स में भी वेंडिंग मशीन्स का यूज किया जाता था। उस समय वो मशीन्स मंदिर में रखे जाते थे और उनमें कॉइन डालने पर उसमें से होली वाटर निकलता था जो कि विजिटर्स के हाथ धोने में काम आता था। दोस्तों ये भी काफी यूनिक है। साल 1901 में एक बहुत ही अजीब सा स्ट्रक्चर मिला था और बाद में खोज से पता चला कि उसे पुराने समय में एक कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल किया जाता था और वो कंप्यूटर यूनिवर्स में घूम रहे बॉडीज को रिकॉर्ड करता था। और तो और वो सोलर और लूनर इक्लिप्स को भी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर देता था। दोस्तों सोचिए कितना अजीब है। दोस्तों इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस हैं जो कि बहुत पहले ही किए जा चुके हैं। तो भविष्य में और ऐसी रहस्यमयी और मजेदार वीडियोस देखने के लिए नॉलेज भूमि को सब्सक्राइब कीजिए।